नमस्कार, आप देख रहे हैं सिल्क टीवी और मैं हूं आपके साथ निशा। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय की ओर से बुधवार को भागलपुर के TNV कॉलेज स्टेडियम परिसर में 47वें दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता बिहार के राज्यपाल सह कुलाधिपति राजेंद्र विश्वनाथ आलेकर ने की। इससे पूर्व पटना राजभवन से रवाना होकर TNV कॉलेज परिसर में बनाए गए हेलीपैड पर कुलाधिपति का हेलीकॉप्टर लैंड करते ही तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर जवाहरलाल, केंद्रीय राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे समेत कई गणमान्य लोगों ने राज्यपाल का स्वागत किया। वहीं दीक्षांत समारोह का उद्घाटन कुलाधिपति राजेंद्र विश्वनाथ आलेकर, केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे, बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग के चेयरमैन डॉक्टर राजवर्धन आजाद, राज्यपाल के प्रधान सचिव RL चोंगथू, कुलपति प्रोफेसर जवाहरलाल, प्रति कुलपति डॉक्टर रमेश कुमार और गोपालपुर विधायक नरेंद्र कुमार नीरज ने संयुक्त रूप से प्रज्वलित कर किया। इसके अलावा शहीद तिलक मांझी की लघु प्रतिमा पर राज्यपाल समेत सभी अतिथियों ने बारी बारी से माल्यार्पण कर नमन किया। वहीं समारोह के दौरान कुलपति ने कुलाधिपति का स्वागत अंग वस्त्र और बुके देकर किया, जबकि विश्वविद्यालय प्रशासन की ओर से कुलाधिपति राजेंद्र विश्वनाथ आलेकर को स्मृति चिन्ह भेंट किया गया। इस दौरान कुलाधिपति से राज्यपाल ने TMBU से शिक्षा प्राप्त कर डिग्री हासिल करने वाले 156 छात्र छात्राओं को गोल्ड मेडल प्रदान कर शुभकामना दी, जिसमें 91 छात्राओं को गोल्ड मेडल और 65 गोल्ड मेडल छात्रों को प्रदान किया गया। दीक्षांत समारोह में वर्ष 2021 के लिए 2 शिक्षकों को डिलीट की उपाधि दी गई, जबकि इसके अलावा अलग अलग विषयों में 96 स्कॉलर को PhD की उपाधि प्रदान की गई। वहीं उपाधि प्रदान करते हुए कुलाधिपति ने सभी डिग्रीधारियों को शुभकामना दी, जबकि इसके बाद अपने संबोधन में भी कई अहम बातें रखकर छात्र छात्राओं के साथ पूरे विश्वविद्यालय परिवार को कई सकारात्मक संदेश दिए। कुलाधिपति राजेंद्र विश्वनाथ आलेकर ने कहा कि उन्हें विश्वविद्यालय या शिक्षण कार्य से जुड़े कार्यक्रम में जाना अच्छा लगता है और दीक्षांत समारोह में उन्हें भी काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है। साथ ही राज्यपाल ने कहा कि युवाओं के साथ अधिक उम्र के लोगों में डिग्री और शिक्षा के साथ सीखने की लगन को देखकर उन्हें नई ऊर्जा मिलती है। इधर डिग्री प्राप्त करने वाले सभी छात्र छात्राओं में खासा उत्साह देखने को मिला। राज्यपाल सभी का काफी धन्यवाद करते हैं, क्योंकि हम लोगों को इतना अच्छा मोमेंट मिला, इनकी वजह से हम अपने विभागाध्यक्ष और हम अपने प्रोफेसर का धन्यवाद करते हैं, जिनकी वजह से हमें ये सम्मान मिला। हम अपने माता पिता का भी। भागलपुर में एक बार फिर पुलिस की बड़ी लापरवाही सामने आई है, जिसके कारण एक कैदी पुलिस को चकमा देकर हिरासत से भागने में सफल रहा। दरअसल मामला शहर के आदमपुर थाना क्षेत्र का है, जहां बुधवार को नाथनगर थाना से चोरी के मामले में गिरफ्तार किए गए आरोपी को कोर्ट में पेशी के दौरान लाए जाने के दौरान महात्मा गांधी रोड स्थित एम बाजार के पास से दोनों कैदी हाथ से हथकड़ी खोलकर फरार हो गए। वहीं कैदी को भागते देख मौके पर पुलिस टीम ने खदेड़ कर एक कैदी को दबोच लिया, लेकिन उसका दूसरा साथी कैदी भागने में सफल रहा। फरार कैदी की पहचान कारू के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि मंगलवार को नाथनगर पुलिस ने कस्बा मोहल्ले से बकरी चोरी के आरोप में 2 चोर को गिरफ्तार किया था, जिसकी पहचान सोनू और कारू के रूप में हुई थी, जिसमें से ऑटो से एक कैदी बुधवार को कोर्ट में पेशी के लिए ले जाने के दौरान पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया। वहीं पकड़े गए कैदी सोनू ने बताया कि भागने वाले कैदी कारू ने पुलिस से हाथ में दर्द होने की बात कहकर हथकड़ी को थोड़ा लूज करने को कहा था और कुछ दूरी तय करने के बाद वह हथकड़ी निकाल कर फरार हो गया। इधर कैदी के फरार होने की सूचना मिलते ही नाथनगर थाना अध्यक्ष मेहताब खान मौके पर पहुंचे और फरार कैदी की तलाश शुरू कर दी गई। बता दें कि इससे पूर्व भी जिले में कई बार कैदी पेशी के लिए लाए जाने के दौरान पुलिस हिरासत से फरार हो चुके हैं, जबकि बावजूद इसके पुलिस कोई सीख नहीं लेती है। कुछ दिन पूर्व भी भागलपुर पुलिस की लापरवाही सामने आई थी, जब पुलिस द्वारा कैदी को पेशी के दौरान लाने पर मछली चावल खाते हुए देखा गया था। भागलपुर के 0 माइल थाना क्षेत्र अंतर्गत फ्लाईओवर पर मंगलवार की देर शाम तेज रफ्तार 2 बाइकों के बीच आमने सामने की टक्कर हो गई, जिससे बाइक सवार एक युवक हवा में उड़कर फ्लाईओवर के नीचे सर्विस रोड पर जा गिरा, जिसके बाद अफरा तफरी का माहौल बन गया। इस सड़क हादसे में दोनों बाइक पर सवार 4 अन्य लोग भी घायल हो गए, जबकि फ्लाईओवर के नीचे गिरे युवक की मौत मौके पर ही हो गई। वहीं इसके बाद सभी घायलों को पुलिस और स्थानीय लोगों की मदद से इलाज के लिए जवाहरलाल
नेहरू मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया, जबकि मृतक युवक की पहचान राघोपुर निवासी ब्रजेश कुमार के रूप में हुई है। इधर हादसे को लेकर प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि बीती देर शाम बाईपास की ओर से आ रहे तेज रफ्तार बाइक पर 3 लोग सवार थे, जबकि विक्रमशिला सेतु की ओर से आ रही बाइक पर 2 युवक सवार थे। लोगों ने बताया कि फ्लाईओवर पर चढ़ने के दौरान दोनों बाइक की आमने सामने की टक्कर हो गई, जिसके बाद एक बाइक पर पीछे बैठा एक युवक हवा में उड़कर सीधा फ्लाईओवर के नीचे सर्विस रोड पर गिर गया। वहीं इसके बाद घटना की सूचना स्थानीय लोगों द्वारा पुलिस को दी गई, जिसके बाद मौके पर पहुंची डायल 112 की टीम ने स्थानीय लोगों के सहयोग से सभी घायलों को अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने ब्रजेश को मृत घोषित कर दिया, जबकि अन्य 4 घायलों का अस्पताल में इलाज जारी है। इधर घायल युवकों ने बताया कि वे सभी प्लम्बर का काम करते हैं और मंगलवार को अलीगंज में एक निर्माणाधीन मकान में प्लम्बिंग का काम खत्म करने के बाद मोटरसाइकिल से वापस अपने गांव लौट रहे थे, तभी फ्लाईओवर पर यह हादसा हो गया। विवाह कलेक्शन, आपका अपना कलेक्शन। हमारे यहाँ आपके लिए बेहतरीन कपड़ों का इंतजाम है। एक बार जरूर तशरीफ लाएं और खिदमत का मौका इनायत फरमाएं। ईद की इन खुशियों में विवाह कलेक्शन को अपनी पसंद बनाएं। हमारे यहाँ आपके लिए है सलवार सूट, लहंगा, चुनरी, गाउन, डिजाइनर ड्रेस, शेरवानी, कोट पैंट, किड्स लहंगा और भी बहुत कुछ मौजूद है। एक बार जरूर तशरीफ लाएं। एड्रेस: सूजागंज, नियर इंदारा स्टेशन रोड, भागलपुर। कॉन्टेक्ट नंबर 7677470418। भागलपुर के सुल्तानगंज नगर परिषद क्षेत्र अंतर्गत वार्ड संख्या 25 के शाहबाद गांव में मंगलवार की देर शाम बिजली के शॉर्ट सर्किट से आग लग गई, जिसमें 4 घर जलकर राख हो गया। वहीं आग लगने के बाद स्थानीय ग्रामीणों के द्वारा आग पर काबू पाने का प्रयास किया गया, जबकि ग्रामीणों द्वारा मिली जानकारी पर पुलिस प्रशासन और दमकल मौके पर पहुंचा और आग पर पूरी तरह से काबू पा लिया गया। इधर इस घटना को लेकर वार्ड पार्षद कृष्ण कुमार ने बताया कि बिजली के शॉर्ट सर्किट से आग लगने पर शाहबाद गांव में 4 घर पूरी तरह जल गए, जिसमें स्वर्गीय देवी मंडल के 3 पुत्र सूरज कुमार, आशीष मंडल उर्फ रंजन कुमार और संतोष मंडल के अलावा स्वर्गीय धनेश्वर मंडल की पत्नी रोशनी देवी का घर समेत नगद रुपये और लाखों का सामान आग में जल गया। वहीं घटना के बाद बेघर और आग में अपना सब कुछ गंवा चुके पीड़ित परिवार ने अंचलाधिकारी और स्थानीय पदाधिकारियों से सरकारी सहायता की मांग की, जिस पर अधिकारियों ने पीड़ित परिवार को हर संभव मदद का भरोसा दिया है। शॉर्ट सर्किट से लगा है। कितने घर में आग लगा है? 4 घर में लगा है। किसके किसके घर में? 3 को मेरे भाई के घर में लगा है। क्या क्या नाम है? मेरा नाम हुआ आशीष मंडल, मंडला भाई का नाम हुआ संतोष मंडल, छोटा भाई का हुआ सूरज कुमार, एक है तेरा भाई धनी मंडल। कहाँ का है? बगल का है, पड़ोसी का ही है। धनी मंडल नाम है? हाँ, उसी के घर पर है। उसी के घर। कितने का नुकसान हुआ है? नुकसान तो बहुत कुछ, अनाज जल गया, सब कुछ, पूरा कपड़ा पूरा सब कुछ जल गया। ये शॉर्ट सर्किट बिजली से आग लगी है। कितने घर में? हाँ, 4 घर में लगा हुआ है, इसमें जिसमें कि आशीष मंडल, संतोष मंडल, सूरज मंडल और रोशनी देवी पति धनेश्वर मंडल। ये 4 घर इसमें जलकर बिल्कुल सुहा हो गया है। उसके अंदर जितना भी कुछ सामान था निकालने का मौका नहीं मिला, वो सब जल गया। लगभग लाखों की संपत्ति का नुकसान हुआ है। भागलपुर के गणपत राय सलारपुरिया सरस्वती विद्या मंदिर में बुधवार को खेल दिवस का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन विद्यालय के प्रधानाचार्य नीरज कुमार कौशिक, विभाग से प्रमुख विनोद
कुमार खेर, प्रमुख अशोक कुमार सिंह एवं सह प्रमुख प्रगति कुमारी संयुक्त रूप से श्रीफल फोड़ कर किया। इस दौरान प्रधानाचार्य नीरज कुमार कौशिक ने कहा कि आज के दौर में खेल करियर का एक महत्वपूर्ण अंग बन गया है और खेल के प्रति छात्रों की रुचि को बढ़ाने के लिए इस तरह का आयोजन जरूरी और लाभदायक है। उन्होंने कहा कि उत्साहपूर्वक खेल भावना से खेल दिवस को मनाना ही सार्थकता है। विभाग सह प्रमुख विनोद कुमार ने कहा कि स्वस्थ रहने के लिए शारीरिक सक्रियता अत्यंत ही आवश्यक है और खेल से छात्र मनोरंजन के साथ मानसिक एवं शारीरिक रूप से भी स्वस्थ रहते हैं। इसके अलावा खेल प्रमुख अशोक कुमार सिंह ने कहा कि खेल से मनोरंजन के साथ स्वस्थ शरीर एवं उत्कृष्ट करियर भी प्राप्त होता है, जबकि इसके माध्यम से केवल शारीरिक विकास ही नहीं बल्कि छात्रों का सर्वांगीण विकास भी होता है। साथ ही उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार भी खेल के क्षेत्र में सफल छात्रों को प्रोत्साहन देने के साथ सम्मानित भी करती है। इधर खेल प्रतियोगिता में कक्षा 6 से 12वीं तक के छात्र छात्राओं ने दौड़, लंबी कूद, गोला फेंक, चक्का फेंक, डिस्कस थ्रो, भाला फेंक, बैडमिंटन, वॉलीबॉल, शतरंज, कबड्डी समेत कई खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। मौके पर विद्यालय के शिक्षक, शिक्षिका और छात्र छात्राएं मौजूद रहे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार।